नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मानव सेवा समिति झालावाड़ के अध्यक्ष शैलेंद्र यादव कालू ने निर्धन 1100 से अधिक बच्चों को नए रेडीमेड वस्त्रों का निःशुल्क वितरण कर धनतेरस का त्यौहार मनाया। मानव सेवा समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र यादव कालू ने बताया कि प्राय देखने में आता है कि झालावाड़ शहर में कई हिंदू परिवारों के बच्चे आर्थिक तंगी के चलते त्योहारों पर भी नए कपड़े नहीं पहन पाते और सक्षम बच्चों को देखकर उनमें हीन भावना आती है। ऐसे में मानव सेवा समिति ने इस दीपावली कोई भी बच्चा नए कपड़ों से वंचित ना रहे, ऐसे निर्धन बच्चों को खुशियाँ बांटने के लिए उन्हें नए कपड़े पहनाकर दीपावली मनाने के लिए रेडीमेड कपड़ों का वितरण किया गया, ताकि कोई भी निर्धन बच्चा सक्षम बच्चों को देखकर दुखी ना हो और खुशी खुशी दीपावली का त्यौहार मनाए। मानव सेवा समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र यादव कालू ने बताया कि निर्धन बच्चों में खुशियां बांटने के लिए रेडीमेड कपड़ों का वितरण कार्यक्रम का मंगलवार को 10 बजे खंडिया चौराहा आयुष्मान हॉस्पिटल के पीछे स्थित मैसर्स मनोज सप्लायर्स कार्यालय पर प्रभु श्रीनाथ जी की प्रतिमा के समक्ष पीपा पीठ के पीठाधीश्वर श्री झंकारेश्वर दास त्यागी जी महाराज ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस दौरान शहर में मानव सेवा समिति द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग कर रहे बच्चे और अभावग्रस्त बस्तियों लोहारिया समाज गौसेवकों के बच्चे, आईटीआई के पीछे कच्ची बस्ती पन्नी बीनने वाले बच्चे, मामा मजदूरों के बच्चे, रैगर मोहल्ला, बसेड़ा मोहल्ला, हरिजन बस्ती, धनवाड़ा बस्ती, संजय कॉलोनी, गाँव देर, खड़िया कॉलोनी, कालबेलिया बस्ती के 3 वर्ष से 15 वर्ष तक के 1100 बच्चों को शैलेंद्र यादव कालू ने अपने हाथों से नए रेडीमेड कपड़े जिनमें जीन्स टी शर्ट और छोटी बालिकाओं को फ्रॉक और बड़ी बालिकाओं को सलवार सूट का निःशुल्क वितरण किया गया। इस दौरान नए कपड़े पाकर बच्चों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उनके चेहरे खिलखिला उठे और खुशी खुशी नए कपड़ों को लेकर अपने घर की ओर रवाना हुए। निःशुल्क नए रेडीमेड वस्त्र वितरण कार्यक्रम में बच्चों के लिए नए कपड़े प्राप्त करने के लिए एक दिन पूर्व ही निर्धन बस्तियों में संपर्क कर उन्हें निमंत्रित किया गया था, जिसके चलते प्रातः से ही अभिभावक अपने बच्चों को लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने लग गए थे। ये कार्यक्रम शाम तक चलता रहा, जहां पर 1100 से अधिक बच्चों को रेडीमेड वस्त्र निःशुल्क दिए गए। बच्चों के माता पिता ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि कई छोटे बच्चों के साथ आए उनके माता पिता ने बताया कि पिछले कई सालों में पहली बार शैलेंद्र यादव कालू चाचा दरिया दिल्ली से हमारे बच्चों को दीपावली पर नए कपड़े पहनने को दिए हैं। इस अवसर पर निःशुल्क कपड़ा वितरण कार्यक्रम में प्रेम दादी, सुभेंद्र सिंह हाड़ा, गामा भाई पहलवान, शुभम पारेता, नरेंद्र सिंह राजावत, सुनील मीणा, जय गौतम, श्रीलाल गौतम, गजेंद्र सेन, लोकेश शर्मा, नितिन भाटिया, ललित गुजर, बहादुर सिंह, वरुण झाला एवं अन्य नागरिक मौजूद रहे।